नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पई प्रक्रिया आरंभ सब स्कूल प्रधान शिक्षकों पिलां विवरणी मागिले डीओ बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट रे विवरणी प्रस्तुत लागि निर्देश आईएफएस अभय पाठक चाकरीरु विदा बाध्यतामूलक अवसर सुपारिश उपरे मोहर मारले राष्ट्रपति 1987 बैच आईएफएस अभयकांत पाठक सरकारी पदवीर अपव्यवहार करथिबा अभियोग आईपीएल क्रिकेट रे पसला कोरोना कोलकाता टीम रो दुई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आज हेबाकु थिबा मैच स्थगित कोरोना रे स्वामी को मृत्यु परे जीवन हाले पत्नी नयागढ़ टांगी पटना रे अभावनीय घटना किछि दिन पूर्वे आंडामान निकोबर फेरीथिले नवविवाहित दंपति राज्य में कोरोना काया आज 8914 संक्रमित चिन्हट खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1258 पॉजिटिव चार जिले में 500 ऊपर संख्या पुणि पांच मुंड नेला महामारी आज राजधानी में 18 वर्ष ऊर्ध को कोविड टीकाकरण सका 8 गोटाए मध्य नहीं पारे भैक्सीन सांबादिकों सम्मुख योद्धा घोषणा पर टीकाकरण स्वतंत्र व्यवस्था आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल और दुर्नीति अभियोग गिरफ निलंबित आईएफएस अफिसर अभय पाठक बढ़ला अड़ुआ दुर्नीति अभियोग चाकरीरु विदा हे बाध्यतामूलक अवसर देवा राज्य सरकार कर सुपारिश उपर मोहर मारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एने निर्देशनामा जारी होई बाध्यतामूलक अवसर पर सुपारिश करते राज्य सरकार 1987 बैच आईएफएस अफिसर अभय पाठक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल दुर्नीति अभियोग गत वर्ष नवेम्बर मसने गिरफ होते अभय पाठक 9 कोटी अधिक टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग से गिरफ होते यापर चाकरीरु निलंबन करते राज्य सरकार एवं से जेल अच्छे पुओ आकाश पाठक चाकरी देवा नाँ जालियाती अभियोग गिरफ होते कोरोना पई चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा बातिल करछन्ति सरकार परीक्षा फल प्रकाश करिबा पई प्रक्रिया आरंभ होईछि माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष आरंभ करछन्ति एथिपई सब स्कूल प्रधान शिक्षकों छात्र छात्रीं को विवरणी मागिले जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट रे विवरणी प्रस्तुत लागि निर्देश दिया जाइछि फॉर्मेट रे स्कूल नाम नंबर और रोल नंबर आदि तथ्य रहइबो एथिसहित दशम टेस्ट और नवम वार्षिक परीक्षार नंबर मध्ये मगा जाइछि उभय परीक्षा रे पिला रखिथिबा नंबर दाखल करबाकु प्रधान शिक्षकों को कह जाइछि सब हाई स्कूल प्रधान शिक्षकों को निर्देश देवाक जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी आसी आज सुधा निकटस्थ परीक्षा केन्द्र में फॉर्मेट दाखल करने को निर्देश रही गत काली बोर्ड पक्ष एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई जो विज्ञप्ति में कहुई नवम क्लास हाफ इयरली और आनुआल परीक्षा 20 मार्क आसेसमेंट परीक्षा एवं दशम क्लास 4 प्री एच एस एग्जामिनेसन मार्क आधार करी करा जिवो एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची बोर्ड गत काली राति रे ए विज्ञप्ति प्रकाश करी आज ही शिक्षक मानक दवा पाई निर्धारण करिसंती बोर्ड को निष्पत्ति मुताबक डीओ माने चिट्ठी करी गिरी प्रति स्कूल को देछंती एठी मो राज्य सरकार को अनुरोध करबी एहा केबे संभव नुहे ए कोरोना महामारी समय रे जे गोटे स्कूल तार गोटे दिन भितरे से तार ये समस्त कागजपत्र सरकार पाखे पैठ कर बोर्ड पाखे पैठ कर कारण हूँ शिक्षक मैंने कोरोना ड्यूटी अच्छा रोस्टर ड्यूटी अच्छा अनेक शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक बर्तमान कोरोना अफेक्टेड अनेक आईसीयू अच्छा यही समय भितर एत कम समय भितर पुणी पुनर्बार तरबार होकर नवम क्लास मार्क और आसेसमेंट मार्क मागवा यहाँ गोटे सबुठ बड़ धृष्टता मु आशा करूची असेसमेंट मार्क संपर्क रे हम शिक्षक माने एते अभिज्ञ नहुंती आईपीएल क्रिकेट रे पसला कोरोना कोलकाता टीम रो दुई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती आक्रांत चिन्हट पर आज हेबाक मैच को स्थगित रखा जाइछि आज कोलकाता और बेंगलोर मध्य टक्कर हेबार थिला
राज्यरे कोरोना काया आज 8914 संक्रमित चिन्हट होती। खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 1258 पॉजिटिव बाहर। कटकरु 587, सुंदरगढ़ 592, पुरी 503, संबलपुर 520 जने आक्रांत चिन्हट होती। तेज सुंदरगढ़, संबलपुर, कटक, पुरी संख्या 500 ऊपर रही। 27 जिले 3 अंक उपर रही संक्रमण। सेपरि बरगढ़ 452, नवरंगपुर 433 चिन्हट होती। पुणी 5 मुंड नहीं महामारी भाइरस। आजिठारु राजधानी रे 18 वर्षर ऊर्धंको कोविड टीकाकरण तृतीय पर्याय टीकाकरण रे 18-44 वर्ष वर्गर लोके नेपारिबे टीका। प्रति स्वास्थ्य केन्द्र रे 200 जनको टीका दिया जिवो। 18-44 वर्ष वयस्कंको सकाळ 8टा रो गोटाय पर्यंत ओ 45 ऊर्धंको पई अपराह्न 3टा रो 6टा पर्यंत दिया जिवो। तृतीय पर्याय टीकादान पई बीएमसी पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। राजधानी रे कैपिटल हॉस्पिटल, एम्स, सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल समेत समस्त प्राथमिक ओ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र मिसाई मोट 26 टी स्थान रे टीकादान करा जिवो। टीका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बाध्यतामूलक करा जाय छी। ऑनलाइन पंजीकरण सहित स्लॉट बुकिंग करथवा व्यक्ति निर्धारित तारीख केन्द्र को जाय टीका नै पारिबे। बिना पंजीकरण रे टीका दिया जिवो नै। सेपटे सांबादिकंकु कोविड योद्धा घोषणा पर टीकाकरण नै बीएमसी पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था होई छी। भुवनेश्वर कटक रोड स्थित यात्री निवास रे स्वतंत्र कैंप करा जाय छी। सकाळ 11टा रु अपराह्न 2टा मध्यरे 8-44 वर्ष एवं अपराह्न 3टा रु 5टा मध्यरे 45 वर्षरु ऊर्ध्व सांबादिकंकु टीका दिया जिवो। सांगरे आधार कार्ड एवं आई कार्ड नै जिवाकु बीएमसी पक्षरु कहा जाय छी। सेपटे टीकाकरण को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही। मोट 1500 मात्र 256 केन्द्र में टीकादान राज्य में मोट 46,220 कोविशिल्ड टीका महजूद रही। 3,00,000 अधिक कोवैक्सीन टीका रही। दुई दिन भितर आहरी टीका आसवा संभावना रही। आहरी अधिक 25,00,000 टीकापी अर्डर कर राज्य सरकार। टीका पहुंचे सबु केन्द्र में टीकाकरण हो सूचना देखते स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही। करोनारे स्वामीक मृत्यु पर जीवन हारे नवबिवाहित पत्नी। नयगढ़ पुणी आसला अभावन घटना। इटामाटी थाना टांगीपाटना साहिर दिलीप कुमार पात्र और नवबिवाहित पत्नी किसी दिन पूर्वे आंडामान निकोबरू फेरी गतका करोना आक्रांत हो भुवनेश्वर दिलीप मृत्यु होता। खबर पाई दिलीप पत्नी अस्वाभाविक भाव मृत्युवरण करता बेले मृत्युर कारण आत्महत्या कि हृदघात जनित होपे चर्चा होनेपक्ष। स्थानीय इटामाटी थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंच अधिक पचराउचरा जारी रखी। सारा देश में दिनक दिन कोरोना काय विस्तार कर चलती। आज पुणी 3,68,147 जन आक्रांत चिन्हट होती। सेपटे 3,417 जनकर मुंड नहीं कोरोना। देश में मोट आक्रांत संख्या 1,99,25,604 पहुंची। अंपक्ष एजावत 2,18,959 जन कोरोन प्राण हर। कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगे केन्द्र सरकारों पक्षर् युद्धकालन भित्ते विभिन्न पदक्षेप नि अम्लजान जोगाण और टीकाकरण को गुरुत्व दि जा। प्रधानमंत्री घन घन बैठक करने सहित देशर विभिन्न स्थान में चिकित्सित होता कोरोना रोगी को किपर समस्त चिकित्सा सुविधा मिल पार से नहीं समीक्षा कर। मदपाई गला जीवन। मद व्यवसायी आक्रमण में युवकों मृत्यु। मृतक लक्ष्मी जेना जाजपुर जिला बिंझारपुर स्थित बरई गांव में घटी विभत्स हत्याकांड। मद व्यवसायी को केन्द्र कर हत्याकांड घटी जमापड़ी। अभियुक्त को थाना अटक रखि तदंत जारी रखी पुलिस। गोटे मीट बस मीट आगुरी तो आम सब मान कलेक्टर कतर एवं थाना पर्यटन सब दरखास्त दे। तापरे किछि दिन परे सी कहला जे गाँ को डाकी कहला जे एरकम प्रकार तमें मते 4 मास टाइम दियो कि 3 मास टाइम दियो मद बिक्री कर मो लक्ष लक्ष टंका बुड़ी जाऊ। तेणु गाँव वाला तुम मना कले जे ये टाइम आम दे पारना आम गाँव में मद बिक्री हम ना। तेणु आम भितर भी केते लोक मना कला भितर से पाखरे से घर पाखरे जो लोकटी पिलाटी मना करथिला ताकु कहला मु गाड़ी चढ़े कि मारदेवी आउ नने तो घर निया नगेदी। सका तो ये घटना तार स्त्री की धरिकी
ମାରଧର କରିଛି ଆଉ ସେ ତ କଟକ ଯାଇଥିଲା, ଯାଜପୁରକୁ ଗଲା, ଯାଜପୁରରୁ କଟକ ଗଲା, ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମାଲକାନଗିରି ସୁବାସ ବୋଷ ଛକ ନିକଟରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅନିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିର ସମସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ, କ୍ରୀଡ଼ା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶୈକ୍ଷିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, 10 ଗୋଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବ ଦାସ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆମ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜାଣିକରି ବି ନିରବ ଦଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଚୁପ୍ ରହିଛି। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ରାଉରକେଲା ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ। ମୃତକଙ୍କ ଶବ ରଖି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ପାନପୋଷ ଗାନ୍ଧୀଛକ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଲୋକେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋ କଟିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ। 11 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ, ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ବି ପାଖ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସମରଝୋଳ ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମର ଡି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରୋନା ଭୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି। ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ଉଠାଯାଇ ମଶାଣି ନିଆଯିବା ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଡିଓ ଓ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଜେନା, ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୃତଦେହ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆୟୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ସମୟ। ମେ 7ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ମାମଲାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମାଜସେବୀ ଜୟଦେବ ଜେନା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ 2ଟିଯାକ ମାମଲାର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ।
ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान निहाती भाव में गोटे बड़ खबर कि जेहेतु हाईको पिपिली उपनिर्वाचन स्थगित पर हाइकोर्टे जनस्वार्थ मामला होता जार शुना हो मे 7 परवर्त शुना आज हाइकोर्ट इन स्पष्ट निर्देश कौन देते इमरान देखते नीलिमा आप जानते जेहतु आसंता 16 तारीख दिन पिपली उपनिर्वाचन होगा समय धार्य होता है जहां को लेकिन तुम्बी तोफान राज्य राजनीति लगी रही कि अंपटे गोटे बड़ खबर जेहतु यह स्थगित रखा हाइकोर्टे एक जनस्वार्थ मामला दायर होता वरिष्ठ आईनजीवी सूर्यकांत पाड़ी मामला दायर करते से दर्शाते जदि वर्तमान समय निर्वाचन हेल्ले अधिक लोक आक्रांत हे शताधिक लोक आक्रांत और सहित सुपर स्प्रेडर हे कहीं आप जानते यह पूर्व जी थे पिपली विधायक प्रदीप महारथी सहित कांग्रेस प्रार्थी जी बर्तमान हितर अजित मंगराज और कोरोनार मृत्यु होता है सहित अनेक भयावह लगी रही है तेणुक बर्तमान निर्वाचन हेल्ला अधिक लोक आक्रांत हवा सहित विपद अधिक माड़ी आसपाई से हाइकोर्ट एक जनस्वार्थ मामला दायर करते यहां स्थगित रखा अंपटे कोर्ट यहां शुणा करी भारतीय निर्वाचन आयोग को समय मध्य देखते निर्वाचन आयोग निज समय नहीं 7 तारीख दिन समय को हाईकोर्ट धार्य कर समय दी जाए कौन निष्पत्ति नौकरी भारतीय निर्वाचन आयोग कौन परिस्थिति कौन से जवाब देते से हाइकोर्ट 7 तारीख दिन समय धार्य कर निर्वाचन आयोग को सूचना देते पक्ष दाबी रखी कौन पक्ष जो उपस्थापन करेंगे से कौन परवर्त समय शुणा समय से कौन तर जवाब रखुंट अंपटे आप जानते जेहतु वर्तमान स्थिति बिगड़ी निर्वाचन वर्तमान न करने से आवेदन होता है और इसे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को पक्षभुक्त करते कि या पूर्व आप जानते हाइकोर्ट यह विषय की दुईट मामला दायर होती केवल पिपली उपनिर्वाचन को स्थगित रखा जेहतु आसंता 7 तारीख में कोर्ट परवर्त शुणा कोर्ट समय धार्य कर दुईट मामला दायर होता सूर्यकांत पाड़ी को पूर्व समाजसेवी जयदेव जेना मामलार एक जनस्वार्थ मामला दायर करते तेणुक आसंता 7 तारीख दिन दुईट जाक मामलार शुणा हे और समस्त नजर रही है कोर्ट से मामला कौन शुणा करते भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कोर्ट जवाब रखुच्छी आसंता 7 तारीख ही जना पड़ो। धन्यवाद इमरान। इम्रान प्रतिनिधि इमरान खान। तेज जहाँ खबर रही बड़ खबर पिपिली उपनिर्वाचन हाइकोर्टे जो जनस्वार्थ मामला दायर होता आज शुणा हो मे 7 मामलार परवर्त शुणा धार्य तारीख धार्य कर हाइकोर्ट। कोरोना काल में असहायक देवदूत साजिंट बिंदु घर को घर बांटुंट रंधा खाद्य कलाहांडी जिला गोलामुंडा ब्लक में दिनक दिन वृद्धि पाइबा लगी कोरोना आक्रांतों संख्या प्रशासन तरफ ब्लक विभिन्न पंचायत को सटडाउन तेज मानझरी पंचायत में गरीब असहाय और कोरोना संक्रमित मैंने खावाक नपाय असहाय अवस्था दिन काटुवा बेले देवदूत साजिंट डुडुकेल गांव बिंदु महानंद निजे आर्थिक खर्च कर निजर किसी साथी को नहीं रंधा खाद्य बांटुंट अंचलवासी प्रशंसा करने सहित धन्यवाद भी जनई तेरे निजर सक्षम या पर्यंत मानव सेवा जारी रखे कहते बिंदु। गोलामुंडा ब्लक मांझरी ग्राम पंचायत गोटे पछुआ ग्राम पंचायत आम मांझरी ग्राम पंचायत में कुमरा गिरंडुल गुड़केल कांदुलनगरी मांझरी पांच टी ग्राम को बुले बुले देखिली जे समस्त गाँव में अति गरीब असहाय वृद्ध वृद्धा दिव्यांग अति गरीब जो मर पॉजिटिव चिन्ह से मैंने खावाई बहुत असुविधा होता से मत कहे और सी अभोग भित्तिक मुझे गोटे चिंता कली केमी घर घर को गोटे रंधा खाद्य पहुँचे पार्बू से चिंता करोर सहयोगी मान द्वारा एक जगार खाद्य रोसे कर पैकेट जरिए भर्ती कर आम 4 दिन है घर घर को जी बंटन कर रानी बाटी करी आन दो छ जे आमे खौचू आमर लूर लूर थुर थुर आमर हाथ गोड़ नहीं उसक बार ना हय लर लर थर थर होची ए डोड़कोली बाबा मने आम के आनी दो छ हय 4 दिन हला ना दो छ बाबा मने आनी दो छ बुआ आबे खौचू। बंद है कुलडीहा अभयारण्य जातीय व्याघ्र सुरक्षा प्राधिकरण अथॉरिटी निर्देश क्रमे अभयारण्य बंद कर सूचना देखते बालेश्वर डीएफओ विश्वराज पंडा कोविड 19 को दृष्टि रखी आगामी अर्डर आसवा पर्यंत विचित्रपुर और चांदीपुर इको टूरिस्ट कम्प्लेक्स को पर्यटक और साधारण लोकों बंद कर
जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र कर युवक मरणातक आक्रमण मयूरभंज खुंटा थाना पुराणा बारीपदा गांव में अभावन घटना गांव दिल्ली पढ़िया निज घर बाड़ी निकट में ढड़ा होते इस समय पड़ोसी सुशांत बेहरा ठेंगे आक्रमण करते दिलीप को पटिशु पर लोके दौड़ आसी उद्धार कर उदला डाक्तखाना भर्ती करते दिलीप अवस्था संकटापन्न रही जमापड़ स्वाधीनतार दीर्घ वर्ष पर विकास छाई पड़ना गांव पर शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली गमनागमन और पानी जल एटी विपर्यस्त यही नाही नाहीर गाँ हूँ नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी ब्लॉक डुमुगुड़ा गाँ समस्त मौलिक सुविधा वंचित ही अभिशप्त जीवन बिताऊँ ग्रामवासी देखिए रिपोर्ट जंगल पहाड़ घेरें बीतुची जीवन ना पा ना रास्ता ना रहिबाकु अछि खंडे भल घर एमानक अवस्था सरकारी योजना को उपहास करे ए होचे नवरंगपुर जिला डुमुगुड़ा गाँ गाँ को जीवाकु हेले 5 किलोमीटर पहाड़िया रास्ता अतिक्रम करबाकु पड़े दुई चकिया छाड़ी देले चारि चकिया गाड़ी गड़िबा पूरा स्वप्न बर्षा दिने तो यातायात कथा न कहिले भल रोगी एठारे खटिया और स्ट्रेचर रे बुहा हुए प्राय 50 वर्षर पुरुणा एक गाँव में 30 ऊर्ध परिवार और 200 ऊर्ध लोके बसवास करती अधिकांश परिवार आवास योजनार वंचित गाँव में गोटे मात्र नलकूप थिबा बेले सेतरु दूषित पानी बाहरी थाए जहाद्वारा बाध्य होई महिला माने गाँठू 2 किलोमीटर दूर थिबा झरणा पानी उपर ही निर्भर करथंती आ गाँ 40 वर्ष हलानी रास्ता घाट नहीं नलकूप नहीं अच्छे जे पानी देव नहीं बोल करी से पानी नल पानी खाई होते खाद पानी खाक पेट दुआ दर्शी खाक जर दर्शी मारले आएसी बहन बोले से अम्ल से गाड़ी नहीं आसबार ई का से करेंट नहीं करेंट भी दल नहीं दिया बोले से देव बोले नहीं देवार हमार गाँ ते घटे बोले नलकू अचे हाई तीर पानी नहीं आईला बोले आम झोलार पानी जाकर आनबुआचु तबे रोग बात हेले काईटा हेले केनता करबो आमे इटा टिके सुविधा कर दियास बोलते हम चाहबो आछु एतकि हम अनुरोध करबो आछु केवल सेतिक नहि गां रे ना अछि विद्यालय ना अछि अंगनवाड़ी केंद्र फलरे 30 रु ऊर्ध छात्र छात्री निज जीवन को बाजी लगाई गां निकटस्थ गंजिया खारी प्राथमिक विद्यालय और कला भट्टीगुड़ा अंगनवाड़ी केंद्र उपर निर्भर करंती एमिति के बिजुली आलो ग्रामवासी को पई सात सपन होई पड़िछि गां रो समस्या प्रति दृष्टि देबाकु प्रशासन को आकुल निवेदन करिसेंति ग्रामवासी अनेपटे खूब शीघ्र डुमुगुड़ार रूपरेख बदलिबो बोली प्रतिश्रुति देइछंति डाबुगा विधायक मनोहर रंधारी डाक्टर भितर भी आम जिते बेले सब आम बोक नाइपु आम 2 किलोमीटर गले एका से डाक्टर आमर गाड़ी लगुच आमर सब असुविधा अच्छा आज्ञा आज्ञा आम को जिते बेले वोट ने सब आम को करंट देव रास्ता देव नलकू देव सब कौन एवं शेष बेलू आम को वोट नहीं सारा पर किए हेले आम को पचारती ना आम असुविधा कौन कर सरकार को आम ये खोजु जे सरकार हेले किसी देना कि आम कौन करूँ निश्चित भाव मुझे गाँव को अल्प दिन भर विजिट करी और से सड़क व पीवा पानी व्यवस्था कौन आवश्यकता अच्छे जिला प्रशासन संगे आलोचना करवस्था करने चेस्टा करूँ और आशा करी निश्चित भाव से गाँव में बिजुली सड़क और पा तीन टा जिन कि भाव में समस्ते पाइपर से दृष्टि देव संगे संगे खूब शीघ्र तर समाधान करने स्वाधीनतार दीर्घ वर्ष पर अनेक गाँव में विकास अपहंच गोटे पटे सरकार श्रेष्ठ प्रशासक डेंगुरा पिटुवा बेले अन्यपटे बास्तव चित्र नवरंगपुर सुमित घंटों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय जाइए बुलेटिन को रखिए नमस्कार।